हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एमकेएस ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं हूं अर्चना कुशवाहा और इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की अपवाह प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। जो छत्तीसगढ़ की नदियां हैं उनका जल कौन सी नदियों के थ्रू बंगाल की खाड़ी में या अरब की खाड़ी में जाता है तथा वह कितना क्षेत्र कवर करती है, उसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो नदियाँ होती हैं मुख्य नदियों में सहायक नदियों के सम्मिलन से अपवाह तंत्र विकसित होता है। आपको याद रखना है कि अपवाह तंत्र कैसे विकसित होता है, तो मुख्य नदियों में जो आपकी मुख्य नदी है जैसे कि गंगा नदी है या फिर आपका सोन नदी है या महानदी है, तो उसमें सहायक नदियों के सम्मिलन से अपवाह तंत्र विकसित होता है। नदियों का अपवाह तंत्र भूमि के ढाल संरचना एवं नदी जल के वेग पर निर्भर करता है। हम छत्तीसगढ़ में जो नदी अपवाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है उसको देखेंगे। जो अपवाह तंत्र है उसको निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले महानदी अपवाह तंत्र, दूसरे नंबर में हमारा आता है गोदावरी अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और पांचवें नंबर में आपका है नर्मदा अपवाह तंत्र। अब हम ये देखेंगे कि जो नदी अपवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ का कितने प्रतिशत जल ग्रहण करती है तथा वह कितना क्षेत्रफल कवर करती है। तो जो महानदी है वो 56.15% तथा उसका क्षेत्रफल है 77,434 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करती है। तथा जो महानदी है ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र को बोला जाता है। दूसरे नंबर में हमारी आती है गोदावरी अपवाह तंत्र, ये 28.64%। आपको सारे अपवाह तंत्र का प्रतिशत और उसका क्षेत्रफल देखना है अच्छे से, तो गोदावरी अपवाह तंत्र का जो क्षेत्रफल है वो 39,497 स्क्वायर किलोमीटर तथा यह दूसरी बड़ी अपवाह तंत्र है। तीसरे नंबर में हमारा आता है गंगा अपवाह तंत्र या फिर इसी को सोन नदी अपवाह तंत्र बोला जाता है। ये आपका है 13.63%, जो कि 18,789 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। चौथे नंबर में हमारा है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ये 1.03% क्षेत्र कवर करता है जो कि 1423 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे छोटा अपवाह तंत्र हमारा आता है नर्मदा अपवाह तंत्र, ये सिर्फ और सिर्फ 0.55% क्षेत्र कवर करता है और सबसे छोटा अपवाह तंत्र भी नर्मदा अपवाह तंत्र है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो पांच अपवाह प्रणाली है उसको देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन सी दिशाओं में कौन कौन सी अपवाह प्रणाली स्थित है। सबसे पहले हम देखेंगे महानदी। महानदी जो अपवाह तंत्र है ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलता है और आप इसको देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के मैप में, ये सेंटर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे गोदावरी अपवाह प्रणाली, ये आपके छत्तीसगढ़ के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। उसके बाद तीसरे नंबर में आप देखेंगे सोन नदी। सोन नदी जो है ये पूरे छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में है। चौथे नंबर में आप देख सकते हैं जो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है ये आपका उत्तर और पूर्व दिशा में है। और जो आपका पांचवें नंबर में नर्मदा अपवाह प्रणाली है वो आप देख सकते हैं पश्चिम में एमपी में स्थित है। आप इस पूरे मैप को अच्छे से देख लीजिए, आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कौन सी नदी किस क्षेत्र में है और छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है। इससे आपको आगे बहुत ही बेनिफिट होगा कि इसको पढ़ना कैसे है। आप यहाँ सर्कल में देख सकते हैं मैंने पूरा जो अपवाह प्रणाली है उनका कितना प्रतिशत है उसको यहाँ पे बना दिया है। इससे आपको बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएगा कि किसका क्षेत्र कितना है। जैसे महानदी अपवाह तंत्र आपका 56.15% है, नर्मदा का आपका 0.55%, ब्राह्मणी का 1.03%, जो गंगा अपवाह प्रणाली है उसका 13.63% और गोदावरी अपवाह प्रणाली आपका 28.64% है। इसके बाद हम जितने भी अपवाह प्रणाली है उसको एक एक करके पार्ट वाइज पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले महानदी अपवाह तंत्र के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद सिक्वेंस वाइज हर महानदी अपवाह तंत्र को अलग अलग वीडियो में सिक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। महानदी अपवाह तंत्र, जो महानदी अपवाह तंत्र है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो जो महानदी अपवाह तंत्र है इस तंत्र की सबसे बड़ी नदी महानदी ही है तथा उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो महानदी अपवाह तंत्र है ये राज्य के 56.15% जल का संग्रहण करती है, मतलब जल
जो टोटल छत्तीसगढ़ का जल है उसका 56.15% जल का संग्रहण महानदी करती है तथा छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल पूर्व की ओर होने के कारण इस अपवाह प्रणाली की सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं तथा ये उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हम सब अभी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो महानदी अपवाह तंत्र है उसमें महानदी का नाम अलग अलग काल में अलग अलग नाम था। जैसे महानदी का प्राचीन नाम कनक नंदिनी था, सतयुग में महानदी को नीलोत्पला तथा द्वापर युग में चित्रोत्पला और वर्तमान में महानदी कहा जाता है। इस पूरे नाम को आपको अच्छे से याद करना है कि कौन से युग में महानदी का नाम क्या था, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन में या सतयुग में या द्वापर युग में महानदी का नाम क्या था। महानदी का जो उद्गम है वो सिहावा पर्वत से हुआ है और ये सिहावा पर्वत आपके धमतरी जिले में स्थित है तथा जो सिहावा पर्वत है उसका पूर्व नाम सुक्तिमती पर्वत था। जो महानदी है उसका विसर्जन या मुहाना करके बोलते हैं, तो जो महानदी का विसर्जन है वो कटक आपका उड़ीसा क्षेत्र में आता है, सॉरी उड़ीसा जिले में आता है के निकट बंगाल की खाड़ी में होता है। आपको याद रखना है कि कौन सी नदी का विसर्जन कौन से नदी के थ्रू कहाँ पे हो रहा है, तो आपको याद रखना है जो महानदी का विसर्जन है ये बंगाल की खाड़ी में होता है तथा जो महानदी की कुल लंबाई है ये 858 किलोमीटर है। जो 858 किलोमीटर है ये महानदी की लंबाई ये बताती है कि महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक इसकी टोटल लंबाई आपकी है 858 किलोमीटर तथा छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई, मतलब जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है, तो छत्तीसगढ़ में महानदी की लंबाई सिर्फ और सिर्फ 286 किलोमीटर है। आपको दोनों डाटा याद रखना है, क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है वो भी याद रखना है। अगर कुल लंबाई बोलता है महानदी का तो 858 किलोमीटर आएगा, पर अगर छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है बोलेगा तो वो 286 किलोमीटर होगा। अब हम देखेंगे जो महानदी का प्रवाह क्षेत्र है, महानदी छत्तीसगढ़ से ही निकलती है तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से वो प्रवाहित होती है, तो जो महानदी है वो धमतरी जिले से निकलती है, धमतरी के बाद कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा और रायगढ़ के बाद ये उड़ीसा में प्रवेश कर लेती है। इन जो 9 जिले हैं, 9 जिलों के नाम आपको सीक्वेंस में याद रखना है, जिसको थोड़ी देर में मैं मैप के थ्रू बता दूंगी कि कैसे कैसे कौन से जिले से कौन से जिले में ये महानदी प्रवेश करती है। विस्तार अब हम देखेंगे जो छत्तीसगढ़ के मैदान क्षेत्र में महानदी का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में है। जो आपके 9 जिले दिख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के मैदान में ही स्थित है। अब हम देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ की जो महानदी की सहायक नदियाँ हैं। महानदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन हम इसको मोटा मोटा याद करने के लिए जो मुख्य रूप से 13 सहायक नदियाँ हैं उनको हम देख लेंगे कि कौन से दिशा से आ रही है, मतलब वो उत्तर से आ रही है या दक्षिण से आ रही है या पूर्व से या पश्चिम है। तो हम देखेंगे जो महानदी है ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया रफली, ये आप मान सकते हैं जो रेड कलर की लाइन है ये आपकी महानदी है। इसके उत्तर से आपकी 6 नदी मिलती है तथा इसके दक्षिण से आपकी 7 नदी है। ये मोटा मोटा डाटा है, इसके अलावा 3-4 नदियां और है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आप देखिए शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब, ये 6 नदियां उत्तर से आकर महानदी में मिलती है तथा दूध, सिलियारी, पैरी, सोंढूर, सूखा, जोक और लात, ये 7 नदियाँ दक्षिण से महानदी में मिलती है। आपको ये भी याद रखना जो शिवनाथ नदी है ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी शिवनाथ है। शिवनाथ नदी के बारे में हम अलग से वीडियो बना के उसको पूरा पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। आप ये छत्तीसगढ़ का मैप देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो महानदी है वो कहाँ से निकल रही है तथा कहाँ कैसे प्रवेश करती है। आप देखेंगे ये हमारा धमतरी जिला है, धमतरी जिले में सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। महानदी धमतरी से निकलकर कांकेर में प्रवेश करती है, कांकेर के बाद ये बालोद जिले में जाती है, बालोद जिले के बाद ये वापस धमतरी प्रवेश करती है, धमतरी के बाद आप देखेंगे रायपुर, गरियाबंद और आपका यहाँ पे है महासमुंद और बलौदा बाजार। तो ये तीनों की सीमा रेखा पर, ये तीनों से प्रवेश करती रायपुर, गरियाबंद
महासमुंद। उसके बाद ये बलौदा बाजार में जाती है, बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा, फिर रायगढ़, रायगढ़ के बाद ये उड़ीसा निकल जाती है। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है कि धमतरी, धमतरी के बाद कांकेर, कांकेर से फिर बालौद, और बालौद से वापस धमतरी में प्रवेश करती है, उसके बाद रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद। ये तीनों यहाँ पे टच है, तीनों जिले आपस में टच है, तो उनके बीचों बीच से निकलती है फिर बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़। तो टोटल 9 जिलों से प्रवेश करती है महानदी। अब हम देखेंगे महानदी के उत्तर और दक्षिण से कौन कौन सी नदियाँ, उनकी कौन कौन सी महानदी की सहायक नदी है, तथा उन वो कहाँ से उनका उद्गम हुआ है। तो सबसे पहले हम महानदी के जो दक्षिण की नदियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, आप महानदी के दक्षिण में देखेंगे पैरी और सोंढूर नदी है। पैरी जो नदी है ये महानदी की सहायक है, और सोनूर नदी ये पैरी की सहायक है। तो सबसे पहले सोनूर नदी पैरी नदी में मिलती है, उसके बाद पैरी नदी के थ्रू ये महानदी में मिलती है। तो आप सबसे पहले देखेंगे जो पैरी नदी है, इसका उद्गम भात्रीगढ़ पहाड़ी से हुआ है, जो कि बिंद्रा नवागढ़ तहसील में आता है। आपको ये भी याद रखना है जो पैरी नदी है उसकी कुल लंबाई 90 किलोमीटर है, तथा जो सोनूर नदी है ये भी, इसका भी उद्गम गरियाबंद है, तथा ये नरियर पानी क्षेत्र। आपको जिले के साथ उसका क्षेत्र भी याद रखना है कि उसको कौन से क्षेत्र से उसका उद्गम हुआ है, तो ये नरियर पानी क्षेत्र से हुआ है। आप इसके बाद देखेंगे सूखा नदी, सूखा नदी का उद्गम महासमुंद से हुआ है, तथा ये इसका विसर्जन महानदी में हो जाता है। इसके आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है जोक नदी, जोक नदी का भी उद्गम आपका महासमुंद से हुआ है, तथा ये महानदी में विसर्जित हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सर्कल बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो महानदी है, जोक नदी महानदी की सहायक है, तथा आप देख सकते हैं यहाँ पे राजनांदगांव जिले से शिवनाथ नदी प्रवेश करती है। तो आप यहाँ पे याद रखिए, मैंने सर्कल किया है, शिवनाथ, जोक और महानदी का संगम है ये शिवरी नारायण में होता है। तथा उसके पहले मैंने आपको यहाँ बताया नहीं, यहाँ पे देखिए पैरी, सोनूर और क्या बोलते हैं महानदी, ये तीनों का संगम जो हो रहा है ये आपका राजिम, गरियाबंद राजिम क्षेत्र में आता है। तो आपको याद रखना है राजिम में पैरी, सोनूर और महानदी का संगम होता है, तथा आपका शिवरी नारायण में महानदी, शिवनाथ और जो जोक नदी है वो दक्षिण से जाती है, तो ये तीनों का संगम यहाँ पे होता है। इसके अलावा देखेंगे हम लात नदी, लात नदी का भी उद्गम महासमुंद में है, तथा अब ये महानदी में विसर्जित होती है। लात नदी, महानदी, और आप ऊपर में देख सकते हैं ये आपका आ रहा है मांड नदी। तो मांड नदी हो गया, महानदी और लात नदी, ये तीनों का संगम आपका चंद्रपुर में होता है। तो आपको तीन संगम याद रखने हैं, जो तीनों नदियां हैं, सॉरी, जो महानदी तो आपकी मेन नदी है, उसमें जो दो नदियां अन्य आ रही है वो कौन से क्षेत्र से और कौन से साइड से आ रही है, महानदी के दाएं साइड से, बाएं साइड से, उत्तर, दक्षिण, उसको आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सी नदी कहाँ से आ रही है। इसके आप देखेंगे जो महानदी के उत्तर से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है। अब हम देखेंगे जो महानदी की उत्तर से आने वाली नदियाँ, सबसे पहले हम देखेंगे शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी आप देख सकते हैं आपका राजनांदगांव जिले में प्रवेश करती, जो कि पाना बरस की पहाड़ी, अंबागढ़ तहसील से शिवनाथ नदी राजनांदगांव जिले में प्रवेश करती है। राजनांदगांव जिला आपका छत्तीसगढ़ में है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि शिवनाथ नदी कौन से जिले से प्रवेश करती, तो पाना बरस की पहाड़ी, अंबागढ़ की तहसील, यहाँ से प्रवेश करती। तथा जो शिवनाथ की कुल लंबाई है ये 290 किलोमीटर है। इसके बाद इसका संगम मैंने बता दिया है, जोक नदी, महानदी और शिवनाथ नदी का जो संगम है ये आपका शिवरी नारायण के पास होता है। इसके बाद हम देखेंगे हंसदेव नदी, हंसदेव नदी जो है आपका कोरिया जिले में देवगढ़ की पहाड़ी से हुआ है, तथा ये महानदी में जांजगीर चांपा जिले में मिल जाती है। हंसदेव नदी की कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। इसके बाद आप देखेंगे बोराई नदी, बोराई नदी जो है आपका कोरबा जिले, ये आपका कोरबा जिला है, कोरबा जिले से इसका उद्गम हुआ है, तथा ये महानदी में जांजगीर चांपा जिले में विसर्जित हो जाती है। अब हम देखेंगे मांड नदी, मांड नदी जो है ये मैनपाट जिले में इसका उद्गम हुआ है, तथा इसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर है, तथा ये रायगढ़ के पास चंद्रपुर में मांड, लात और महानदी का संगम होता है। इसके आप देखेंगे केलो नदी, केलो नदी अपने छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम है, परंतु यह नदी छत्तीसगढ़ में महानदी से नहीं मिलती, ये छत्तीसगढ़ के बाहर उड़ीसा में जाकर महानदी में मिलती है। इसके आप देखेंगे जो ईब नदी है, ईब नदी का उद्गम जसपुर में खुर्जा पहाड़ी से हुआ है, ये नदी भी जसपुर में प्रवाहित होती है, परंतु ये महानदी में मिलती है छत्तीसगढ़ के बाहर उड़ीसा में।
यहाँ पे देख सकते हैं, दूध नदी जो है ये कांकेर जिले में मलाजकुंडम पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। दूध नदी महानदी में उसके दक्षिण से मिलती है, इसको अब याद रखिएगा। ये कांकेर में ही निकलती है और कांकेर में ही इसका विसर्जन हो जाता है महानदी में। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है जिसके थ्रू आपको याद करने में आसानी होगी कि कौन सी नदी है, उसका क्षेत्रफल कितना है और वो कहाँ से आके मिल रही है। तो अब सबसे पहले देखेंगे, ये मैंने सेंटर में बना दिया महानदी है। महानदी सबसे पहले धमतरी से निकलती है, धमतरी से कांकेर, फिर बालोद, वापस वो धमतरी जाती है, उसके बाद रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और रायगढ़, टोटल 9 जिलों में प्रवाहित होती है। अब हम देखेंगे जो महानदी के उत्तर से कौन सी नदी आ रही है तथा उसका उद्गम क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी अगर पूछता है तो आपको याद रखना है शिवनाथ नदी है, 290 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ये पानावरस की पहाड़ी अंबागढ़ चौकी राजनांदगांव जिले में से प्रवेश करती है। इसके बाद देखेंगे आप हंसदेव नदी। हंसदेव नदी की कुल लंबाई 176 किलोमीटर है तथा ये देवगढ़ कैमूर पर्वत कोरिया से इसका उद्गम हुआ है। आप देखेंगे मांड नदी। मांड नदी आपका मेन पार्ट सरगुजा में इसका उद्गम हुआ है तथा इसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर है। इसके बाद आपका रहता है केलो नदी। केलो नदी का उद्गम लुढ़ैक पहाड़ी या लैलूंगा तहसील से हुआ है। इसके बाद देखेंगे हम ईब नदी। ईब नदी की कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ईब नदी छत्तीसगढ़ में महानदी में विलय नहीं होती है, ये छत्तीसगढ़ के बाहर उड़ीसा क्षेत्र में इसका विलय महानदी से होता है, तो वहां तक की इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है, पर ये छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर 87 किलोमीटर तक बहती है। इसके बाद देखेंगे बोराई नदी। बोराई नदी जो है ये कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है तथा ये महानदी में विसर्जित हो जाती है। अब हम देखेंगे महानदी के दक्षिण से कौन कौन सी नदियां महानदी में मिलती हैं। सबसे पहले देखेंगे दूध नदी। दूध नदी जो है ये आपका मलाजकुंडम पहाड़ी कांकेर से इसका उद्गम हुआ है। और आपको याद रखना है इस कांकेर जिले में मलाजकुंडम जलप्रपात स्थित है। इसके बाद देखेंगे हम सिलियारी नदी। सिलियारी नदी जो है इसका उद्गम नरियर पानी गरियाबंद में हुआ है। उसके बाद आपका आता है पैरी नदी। पैरी नदी की कुल लंबाई आपकी 90 किलोमीटर है और ये भातरीगढ़ पहाड़ी बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद से इसका उद्गम हुआ है। उसके बाद आपका आता है सोनूर नदी। सोनूर नदी जो है ये पैरी नदी की सहायक नदी है, लेकिन ये इनका संगम होता है महानदी में, इसलिए इसको महानदी की भी सहायक नदी कहा जाता है। तो सोनू नदी का उद्गम नवरंगपुर में हुआ है। आपको पूरा याद रखना कि कौन से जिले में तथा कौन से क्षेत्र में उसका उद्गम हुआ है। उसके बाद आपका आता है सूखा नदी। सूखा नदी का उद्गम महासमुंद में तुम गांव में हुआ है। आपको नाम याद रखना है तुम गांव। इसके बाद आपका आता है जोक नदी। जोक नदी की भी लंबाई 90 किलोमीटर है। पैरी और जोक दोनों नदियों की लंबाई 90 किलोमीटर है और जोक नदी का जो उद्गम है ये उड़ीसा के सोनबेरा पठार से हुआ है तथा ये खट्टी इलाके से महासमुंद में प्रवेश करती है। तो जोक नदी को आपको ये याद रखना है कि इसका जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ ना होके उड़ीसा के सोनबेरा पठार है तथा इसका जो प्रवेश है वो खट्टी इलाके से महासमुंद में होता है। इसके बाद हम देखेंगे लात नदी। लात नदी का जो उद्गम है वो रदन की पहाड़ी सराईपाली से हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे जो महानदी की सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों की भी और भी सहायक नदियां होती है। तो जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हंसदेव नदी। हंसदेव नदी की कुल लंबाई 176 किलोमीटर है तथा ये इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये कोरिया, कोरिया के नीचे आपका कोरबा जिले आता है उसमें कोरबा, और उसके बाद आपका आता है जांजगीर चांपा जिले। तो जांजगीर चांपा में हंसदेव नदी महानदी से मिल जाती है। अब हम देख लेंगे जो हंसदेव नदी है उस पर हंसदेव बांगो परियोजना स्थित है। इसी को मिनी माता परियोजना कहा जाता है जिसका स्थापना हुआ था 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम देख लेते हैं जो विसर्जन है वो शिवरी नारायण के निकट हुआ है। उसका गांव आपको याद रखना है ये केरा ग्राम में महानदी से मिलता है। तो हंसदेव नदी केरा ग्राम में महानदी से मिल रही है। अब हम ये देखेंगे कि जो हंसदेव नदी है उसके तट पर कौन कौन से नगर स्थित है, क्योंकि नगर का कई बार पूछ चुका है कि पीथमपुर को पूछा गया है। आपको याद रखना है कि हंसदेव नदी के तट पर पीथमपुर स्थित है जो कि जांजगीर चांपा जिले में आता है। आपको याद रखना है जो हंसदेव नदी घाटी है वो कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी नदी है जो कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसका नाम है आपका हंसदेव नदी जो है वो कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तथा जो अहिरन नदी है, जो ये अहिरन नदी है ये हंसदेव की सहायक नदी है।
इसके तट पर कटघोरा नगर स्थित है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हसदेव नदी है उसकी सहायक नदी कितनी है और कहाँ से आ रही है। तो जो हसदेव की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें तांग, झींग, उत्तेम, गज, अहिरन, चोरनई और जटासंकल, इन इन नदियों के नाम आपको याद रखना है, जो कि हसदेव की सात सहायक नदियाँ, मुख्य रूप से सात सहायक नदियाँ हैं। उसमें आपको नाम याद रखना है तान, झींग, उत्तेम, गज, अहिरन, चोरनई और जटाशंकर। हम देखेंगे मांड नदी। मांड नदी की कुल लंबाई 155 किलोमीटर है तथा इसकी सहायक दो नदियाँ हैं, एक कुरकुट है और दूसरी कोईराज है। अब आपको याद रखना है जो मांड नदी है उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिला है, तथा जो संगम स्थल है ये चंद्रपुर में महानदी, मांड और लात का संगम स्थल है। तीन नदियाँ मिलती है उसको संगम स्थल कहा जाता है। तो चंद्रपुर में होता है महानदी, मांड और लात नदी का संगम। जो मांड नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति होती है, आपको याद रखना है जो मांड नदी है उसकी घाटी से हमको कोयले की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम देखेंगे ईब नदी। ईब नदी की कुल लंबाई आपकी 202 किलोमीटर है परंतु ये छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर तक ही प्रवाहित होती है। ईब नदी की चार प्रमुख सहायक नदियाँ हैं मैनी, डोरकी, खोरुंग और सीरी। ईब नदी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सॉरी इसका पूछा जाता है कि ईब नदी सोने के कर प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सी नदी में सोने के कण मिलते हैं। तो आपको याद रखना है जो ईब नदी है जो कि जसपुर से निकलती है उसमें सोने के कण मिलते हैं। इसका उद्गम मैंने लिख दिया है खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, रानी झूला। तीनों नाम आपको याद रखना है, खुर्जा पहाड़ी भी बोल सकता है, पंडरा पाट भी बोल सकता है। पाट को हम लोग पाट प्रदेश में पढ़े थे। उसके बाद आपको याद रखना है रानी झूला, यहाँ से ईब नदी का उद्गम हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे केलो नदी। केलो नदी जो है इसकी कुल लंबाई 112 किलोमीटर तथा ये लुड़ेक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। केलो नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक कोलेडेगा और दूसरी है राजर, तथा इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये सिर्फ और सिर्फ रायगढ़ में प्रवाहित होती है। उसके बाद ये रायगढ़ से निकलकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको जो महानदी की दो तीन और सहायक नदियाँ हैं उसके नाम देखेंगे। सबसे पहले तो आपका आता है तेल नदी। तेल नदी का जो उद्गम है ये देवभोग क्षेत्र गरियाबंद से ही हुआ है तथा इसका संगम सोनपुर उड़ीसा। इसका जो संगम है तेल नदी निकलती गरियाबंद से है, देवभोग क्षेत्र से, परंतु ये छत्तीसगढ़ में प्रवाहित ना होके कुछ क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, उसके बाद ये उड़ीसा चले जाती है। तो इसका जो संगम है ये उड़ीसा में होता है सोनपुर क्षेत्र में। इसके बाद आपका आता है बलमदेही नदी। इसका भी उद्गम बारनावा पारा क्षेत्र बलौदा बाजार में हुआ है तथा इसका संगम भी बलौदा बाजार में महानदी से हो जाता है। इसके बाद आपका सबसे आखिरी नदी बती है सुरंग नदी। सुरंग नदी का जो उद्गम है वो रायगढ़ जिले में हुआ है तथा ये भी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित ना होके ये आगे उड़ीसा चले जाती है तथा उड़ीसा में ओंग नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।